हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट पॉइंट पे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपका खाता जो है वो स्टॉप हो गया, यानी बैंक की तरफ से स्टॉप कर दिया गया, तो उसको हम दोबारा चालू कैसे करें। काफी अटका होता है हमारा खाता स्टॉप हो जाता है, और स्टॉप क्यों होता है, किन किन कारण से होता है, पहले वो भी जान लीजिए। अगर आप खाता खुलवाने गए बैंक में, आपने खाता खुलवा लिया, और खुलवाने के बाद आप दोबारा बैंक में अपने खाते को देखने ही नहीं गए कि मेरे खाते की क्या कंडीशन है, क्या टर्म कंडीशन वगैरह है, और उसको ऐसे ही छोड़ दिया, और कोई भी उसमें ट्रांजेक्शन वगैरह नहीं किया, कोई भी लेन देन वगैरह कुछ भी नहीं किया, तो आपका खाता जो है 6 महीने के अंदर स्टॉप कर दिया जाता है। फिर उसे आप कोई भी निकासी या जमा कुछ भी कर नहीं पाते हो, क्योंकि खाता आपका स्टॉप कर दिया जाता है। आज की इस वीडियो में हम ये बताएंगे, अगर आपका खाता स्टॉप हो गया तो उसको दोबारा चालू कराने के लिए, यानी ओपन कराने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, किस किस कार्ड की जरूरत पड़ेगी, और क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट फिल करने पड़ेंगे। तो पहले मैं बता दूँ क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट फिल करने पड़ेंगे। जैसे आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हो, पहले नंबर पर इसमें जो है KYC फॉर्म, आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक पासपोर्ट साइज फोटो, यानी KYC फॉर्म होना चाहिए एक पास, और आपका जो आधार कार्ड है उसकी फोटो कॉपी होनी चाहिए, एक पैन कार्ड की फोटो कॉपी होनी चाहिए, एक पासपोर्ट साइज फोटो। तो KYC फॉर्म क्या होता है, कहाँ से मिलेगा, कैसे भरा जाएगा, उसके बारे में आपको पूरा बताऊंगा। KYC फॉर्म आपके नियर बाय होम ब्रांच से मिलेगा, जहाँ से आपने खाता खुलाया है, चाहे तो आपने CSP से खुलाया हो या फिर मेन ब्रांच से, तो वहाँ से आप KYC फॉर्म लेके आ जाएँ। तो हम बताएंगे KYC फॉर्म मिलने के बाद उसको फिल कैसे करना है, भरना कैसे, सही तरीके से कैसे भरना है, उसको फिर कहाँ ले जाके जमा करना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये है वो KYC फॉर्म जो आपकी होम ब्रांच से आपको मिल जाएगा, बड़ी इजीली आपको होम ब्रांच से मिलेगा। इसमें आपको पूरा भरना पड़ेगा, पूरा फिल करना पड़ेगा। आप कैसे भरेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, कैसे कैसे इसमें क्या क्या भरना है। देख सकते हैं मोबाइल नंबर है, नेम है, अकाउंट नंबर, आधार नंबर, पैन नंबर, ये सारी चीज़ इसमें लिंक, ये सब चीज़ आपको भरनी पड़ेगी, जैसे लाइन 1, 2, 3, डिस्ट्रिक्ट और प्लेस, सिग्नेचर वगैरह सब। तो इसकी वीडियो में आपको ये बताऊंगा ये सब कैसे भरना है और सही तरीके से कैसे भरना है। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक, इसको हम पहले आपको भर के दिखा देते हैं कि इसको हम कैसे भरेंगे। तो चलिए भरते हैं हम इसको। यहाँ पर हमने अपना KYC फॉर्म भर लिया, लेकिन हमने ये पूरा नहीं भरा, आधा भरा, यानी कि हमने अकाउंट नंबर अपना आधार डाल के छोड़ दिया, नेम वगैरह सब चीज़, क्योंकि हम यहाँ पूरी भर के नहीं दिखा सकते हैं आपको। यहाँ फर्स्ट नेम में आपका फर्स्ट नेम पड़ेगा, मिडिल नेम में मिडिल नेम जो भी आपका हो, लास्ट नेम में आपका लास्ट नेम, जैसे मेरा पड़ा हुआ है, नीचे आपका अकाउंट नंबर जैसे मैंने डाला हुआ है, मैंने पूरा अकाउंट नंबर नहीं डाला, आधा ही डाला है। यहाँ पर आपका आधार नंबर, ये भी मैंने आधा डाला है। यहाँ आपका पैन नंबर, जो मैंने आधा ही डाला है। यहाँ भी आपको पूरा पूरा सही से भर के डाल देना, सिटी डालना है, स्टेट डालना है, पिन कोड डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालनी है, और डिस्ट्रिक्ट डालना है, और तहसील वगैरह डालनी है। यहाँ आपके सिग्नेचर हो गए, जहाँ लिखा है सिग्नेचर थंब, और प्लेस यानी कि आप कौन सी जगह पर रहते हो, नीचे आपकी डेट ऑफ बर्थ। इसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट और लगेगा, ये आपका पैन कार्ड होना चाहिए, यहाँ पर ये पैन कार्ड है, तो पैन कार्ड भी लगेगा, और नीचे एक आधार कार्ड, तो ये आधार कार्ड भी लगेगा, और CSP से पास जरूर करा लें। अगर आपका खाता CSP से खुला हुआ है तो वहाँ से पास जरूर कराएं, यानी कि ये मोहर लगी है और साइन भी है, देख सकते हैं, ये मोहर और साइन जरूर से जरूर करवा लें। CSP की मोहर लगेगी, अगर होम ब्रांच का तो होम ब्रांच से ही पास करें, यहाँ से नहीं होगा। तो ये 3 डॉक्यूमेंट आपको सीधा ब्रांच में लेके जाने हैं, और आपको अकाउंटेंट को दे देने हैं, और बोलना मेरा अकाउंट स्टॉप है, उसको सीधा ओपन करा दें, ठीक है। ओपन हो जाता है करीब, आप अपना फॉर्म देंगे, जैसे ही फॉर्म आपका सबमिट होगा, आपका ट्रांजेक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि आपका अकाउंट चालू हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, आप वीडियो के माध्यम से समझ चुके हैं कि आपको क्या करना चाहिए जब आपका खाता बंद हो जाए, यानी स्टॉप हो जाए, तो आपको क्या करना चाहिए जिसकी वजह से चालू हो जाए। बहुत ही इजी स्टेप में मैंने आपको बताया, आइए दोस्तों आपको समझ में आ गया हो। और KYC फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत है तो नीचे मैंने इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप, मतलब इंस्टाग्राम का लिंक दिया, वहाँ जाके मेरे साथ पूछ सकते हैं KYC भरने में जो भी दिक्कत आए, और खाता ओपन होने में कोई भी दिक्कत आ रही तब भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। और चलते हैं, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।